पब्लिक सेक्टर की एयरलाइन एयर इंडिया विमानन कंपनी कर्ज के बोझ में बुरी तरह फंस गई है। वित्त वर्ष 2018-19 में एयर इंडिया को 8,400 करोड़ रुपए का जबरदस्त घाटा हुआ है। ये आंकड़े हाल ही में सार्वजनिक किए गए हैं। एयर इंडिया को वित्तीय संकट से उभारने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अहम फैसला लेने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में एयरलाइन की आय 26,400 करोड़ रुपए रही। इस दौरान कंपनी को 4,600 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग नुकसान उठाना पड़ा। बढ़ते तेल के दाम और पाकिस्तान के भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद करने के बाद कंपनी को रोज 3 से 4 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। बीती 2 जुलाई तक एयर इंडिया को पाकिस्तान एयर स्पेस बंद होने से 491 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लंबे समय से घाटे में चल रही एयरलाइन एयर इंडिया पर कुल 58,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और इसे चुकाने के लिए एयरलाइंस को सालाना 4,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। हाल ही में एयर इंडिया के स्पेशल पर्पस व्हीकल एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग्स लिमिटेड ने अपने कर्ज व परिसंपत्ति के हिस्से का हस्तांतरण करने के लिए बॉन्ड जारी कर 7,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इससे कर्ज के भारी बोझ से दबे एयर इंडिया को कुछ राहत मिलेगी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.